हेलो दोस्तों, मैं सौरव मलिक आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए 1000 जीके के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 7। इससे पहले 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो सभी पार्ट्स देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में भी हम 100+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का आप टाइम भी नोट कर सकते हैं दोस्तों, 9:30 पर यह वीडियो डेली अपलोड होती है, रात के 9:30 बजे, ये टाइम नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी कैटेगरी ज्वाइन करते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, डीआरडीओ, डिफेंस के लिए, तो आपको रेफरल कोड यूज़ करना है सौरभ 11। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है सभी कैटेगरी में और सभी एजुकेटर की क्लासेस भी मिल जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा विटामिन होता है? तो प्यारे दोस्तों, नींबू में विटामिन सी होता है। दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से दोस्तों बांझपन रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है, यानी कि एस्कोर्बिक एसिड है। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन दोस्तों ए, डी, ई, के है, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये आपको याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन आता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों धोवन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, ये भी आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध दोस्तों फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध आपका सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सॉरी कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है, ये भी आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लाल, हरा और नीला रंग क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये प्राइमरी कलर है, प्राथमिक रंग है, तो ये आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग दोस्तों एनीमिया है। भारत कोलिका कौन कहलाती है? भारत कोकिला सॉरी कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू इसका सही आंसर है रहेगा। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा सिफगेमोमैनोमीटर, इसका सही आंसर रहेगा। कंप्यूटर की प्राइमरी सॉरी परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में, ये भी आपको याद रखना है। तेंजोर का वरहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने। तो दोस्तों याद रखिएगा,
तंजोर का वह देशवर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्गा में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका सही आंसर रहेगा। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो कान में होती है, स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों जांघ की हड्डी होती है, फीमर। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है दोस्तों? 639। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 डेज यानी कि 120 दिन इसका सही आंसर रहेगा। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जस्तीकरण कहा जाता है, या फिर इसको हम बोलते हैं गलवेनीकरण, ये भी आपको याद रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत इसका सही आंसर रहेगा। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? असम में। तो ये आपका लिखा है गलत यहाँ पे। चलिए, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो गर्गो मेंडल इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा इसका सही आंसर रहेगा। बॉलन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन होगा यहाँ पे, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव इसका सही आंसर रहेगा। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा शुक्र ग्रह। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह भी आपका शुक्र ग्रह है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पूंछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो सही आंसर रहेगा हेली पूंछल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर इसका सही आंसर रहेगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड इसका सही उत्तर रहेगा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दक्षित सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल इसका सही आंसर रहेगा। और दोस्तों यहां पर दक्षिण के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर।
विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो वह दोस्तों भारत में होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये आपका शेर शाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो दोस्तों यहाँ पे था लगा लीजिए, वो तो आपसे ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे बहुत इजी है ये अनुच्छेद 370। कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि वो 370 ही था क्या, है ना, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष इस चीज़ का निर्णय करेगा कि कोई विधेयक, कोई बिल मनी बिल है या अदर बिल है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो कई बार आता है ऐसा क्वेश्चन भी, मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मेक्सिको इसका सही उत्तर रहेगा। अमीटर को सदा क्रम लगाया जाता है, तो आमीटर को सदा किस क्रम में लगाया जाता है? दोस्तों श्रेणी क्रम में। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को, ये भी आपको याद रखना है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए, ये भी आपको याद रखना है। डायनामो के आविष्कारक, जिसने आविष्कार किया था डायनेमो का, कौन है? माइकल फेराडे इसका सही आंसर रहेगा। कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है फेरी क्वीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में, तो इसका सही आंसर उत्तराखंड रहेगा। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चितरंजन दास इसका सही उत्तर रहेगा। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? बहुत इजी क्वेश्चन, 24, सभी को पता होना चाहिए। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र इसका सही आंसर रहेगा। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज दोस्तों फंक ने की थी। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टिन की। ठीक है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई विशेष धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 ईस्वी में। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दोस्तों 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था?
तो सारनाथ इसका सही आंसर रहेगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना भाई, यहाँ तक जो स्टूडेंट देख रहे हैं आप तो इस वीडियो को लाइक कर ही सकते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय इसका सही आंसर रहेगा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो दोस्तों 14 मई 1974 को पोखरान राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर, ठीक है, और जिसको टच नहीं कर सकते हैं उस भाग को सॉफ्टवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन इसका सही आंसर रहेगा। धोवन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, ये कल भी हो चुका है आई थिंक क्वेश्चन। और पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ते का। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी को दोस्तों कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है, ये केमिकल नेम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया इसका सही आंसर रहेगा। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद मुसी नदी पर आई थिंक हो चुका है। विश्व में चांदी का उत्पादक सबसे अधिक मैक्सिको हो चुका है, ये भी हो चुका है। सवेद नहर किन दो सागर को जोड़ती है? हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन आगे। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, इसको याद रखिएगा। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते इसको। ठीक है, तो दादरा नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा, ये आपको याद रखना है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1962 में, जब चीन का आक्रमण कर दिया गया था चीन के द्वारा, 6 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश था, ये आपको याद रखना है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम दोस्तों क्या था? सिलोन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है आंख में वो रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होती है? तो ये होती है दोस्तों विकिरण की विधि के द्वारा। डीएनए की द्विगुणीय कुंडली का पता किसने लगाया था? तो डीएनए की दोस्तों द्विगुणित जो कुंडली होती है, डबल हेलिक्स मॉडल, वो वाटसन और क्रिक ने लगाया था, पता लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन कहलाता है एपिकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में यही सब क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। आप अगर अनअकैडमी पर SSC का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस में हो जाएगा दोस्तों। अभी अगर मैं बात करूँ, 3 मंथ के लिए ज्वाइन करते हो तो 3000 फीस है, और 3000 फीस में से भी आपको 300 रुपये माइनस हो जाएंगे। बाकी अगर आप पूरे साल के लिए जाते हैं तो 6000 फीस है, और 6000 में आपके 600 माइनस हो जाएंगे। ठीक है,
और ये 300 और 600 कैसे होंगे ये अभी मैं बता देता हूँ। मतलब आपको 5,400 रुपये में पूरे एक साल तक जितने भी SSC के एग्जाम्स होंगे वो सारे आप पढ़ सकते हैं, सारे कवर कर सकते हैं अनअकेडमी पर। टॉप एजुकेटर सभी कैटेगरी के वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट के हों, चाहे आपके मुखर्जी नगर के हों, सभी के कोर्सेज आप देख पाओगे 5,400 में पूरे साल तक। समझ रहे हो आप? मतलब कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन कर लेना, इतना खर्चा आपका, अगर आप कोचिंग लगाने के बाद में आने और जाने का खर्चा जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा बैठ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप अच्छे तरीके से घर पे बैठ के जितनी बार चाहे वीडियो को देख सकते हैं, टीचर से जितनी चाहे उतनी बात कर सकते हैं, जो समझ में ना आए उसे 20 बार पूछ सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कोचिंग में ऐसा नहीं हो पाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा, है ना। आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है, उसमें अपना गोल सेलेक्ट करना है SSC एग्जाम्स, ठीक है गाइस। और उसमें आपको क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है आपको। उसमें ये आप 6 मंथ का भी ज्वाइन कर सकते हैं, 6 मंथ की फीस 4,800 है, इसमें भी आपको 480 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 12 मंथ की मैंने बताई थी 6,000 रुपये फीस होगी। और कंटिन्यू पे क्लिक करके आएंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा दोस्तों आपका एंटर रेफरल कोड। तो एंटर रेफरल कोड में आपको 1611 डालना है, इसको नोट कर लीजिए। और इसको डालने के बाद में अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ीस फॉर एग्जाम्पल 6,000 होगी, ये तो नहीं होगी, तो वो आपकी 5,400 में कन्वर्ट हो जाएगी, तभी आपको पेमेंट करना है। उसका पेमेंट आप कर देंगे तो आपको सारी क्लासेस, वीडियो, नोट सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इस डिस्काउंट कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि डिस्काउंट कोड आपका गलत ना हो, ठीक है। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए सौरभ सर जी के नाम से, वहाँ पे आपको PDF मिल जाती है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करिए कि सर मेरे को ज्वाइन करना था SSC का या फिर किसका भी, बट अब मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा सकता हूँ जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।